कीजिएगा आपको मजा आएगा। पिछले दिनों मोदी जी ने शुरू कर दिया था डिजिटल इंडिया, क्या कमाल की चीज थी सर। घर में अखबार में विज्ञापन आया, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए एक दवाई, जाट पापड़ी के लिए दो दवाई, गजक नमकीन के लिए तीन दवाई। मैंने कहा यार ये तो सारी चीजें आ गई, आजकल सब कुछ मिलता है हलवाई की दुकान पे। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने एक दवा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए एक दवाई, बर्फी लेने के लिए दो दवाई, कलाकंद लेने के लिए तीन दवाई, जलेबी लेने के लिए चार दवाई। मुझे लड्डू चाहिए थे रमजान भाई, मैंने एक दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए एक दवाई, मोती चूर के लड्डू लेने के लिए दो दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए तीन दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए चार। मुझे बेसन का लड्डू चाहिए था, मैंने फिर एक दवा, एक किलो लेने के लिए एक दवाई, दो किलो लेने के लिए दो दवाई, तीन किलो लेने के लिए तीन दवाई, सौ किलो लेने के लिए चार दवाई। एक दबाना था, गलती से चार दब गया। मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन फंस गए तो काहे के बिहारी। इस मामले में बिहारी कभी नहीं फंसता, दूसरों को फंसा देता है। लेकिन वक्त बाद जो मैंने हरकत की वो आप भी करते, क्योंकि इस मामले में तो पूरा हिंदुस्तान बिहार है। मैंने तुरंत ही फोन काट लिया। दो मिनट बाद उनकी कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा जी ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए दो दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए तीन दवाई। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। कितना बेहतरीन आप लोग सुन रहे हैं। आजकल सावन का महीना भी चल रहा है और कुछ दिन पहले हम लोगों ने ईद भी मनाया, रमजान हमारे साथ ही है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो इकट्ठा हो गया है। तार लाइन सुन लिए, आप लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश में जब भी आता हूँ तो मुझसे दमदार ने पूछा कि आप कैसे आएंगे भैया। मैंने कहा यार मैं या तो ट्रेन से आऊंगा या फिर मैं फ्लाइट से आऊंगा। बोले आप बाई रोड भी आ सकते हैं। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश में बाई रोड अब नहीं जा, तो बिल्कुल भी नहीं जा, सफर लंबा हो तब तो बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में अद्भुत करती रहती है, पुलिस भी यहाँ की कमाल करती रहती है। मैं चार लाइनें आपको सुनाता हूँ, उसके बाद कोई बातचीत नहीं, आप लोग बस उससे जुड़ते चले जाइए, आनंद लेते। एक चार लाइनें विशेष जो मैंने बिल्कुल ही नहीं कि देखा पदक का रंग तो आंखें चमक गई, देखा पदक का रंग तो आंखें चमक गई, दुनिया में देखो हिंद की कैसी थमक गई, नीरज ने ऐसा भाल फेंका जिसको देख कर पाकिस्तानी सेना भी पीछे खिसक गई। पाकिस्तान बोले 90 मीटर तो यही फेंक लेता है, हम लोग क्या करेंगे ऐसे पीछे। अब आप लोग बस विशुद्ध हास्य का आनंद लेते रहिए कि तुम, और आप लोगों को विशेष समर्पित कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब कल को हार जाए तो कौन दे, तब तक ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने दे कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, तो धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, बाहों के दरमियान हो चौबन का महीना, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, कुछ इस तरह से अपने हो सावन का महीना, कुछ इस तरह से अब। एक व्यक्ति ने पीछे बैठे ताली बजाई, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पटना में सुना रहा था, 45 मिनट बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई तो मैंने पूछा बात समझ आ गई, बोले बेटा मैं तो तंबाकू फूट रहा हूँ तू तो लगा।
तो मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। इस बात पर भी महिलाएं थोड़ा थोड़ा हंसी, महिलाओं की कोई गलती नहीं है, महिलाएं मेकअप के हिसाब से हंसती है, उन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी कभी भी उतर सकती है। और इतनी सारी महिलाएं एक साथ, मैं आपको एक बात बताऊं रमजान भाई, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार मोदी जी हिंदुस्तान में हुआ है और यहाँ की महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट का मामला बहुत ही अद्भुत है। आप पीछे से जोरदार ताली बजी, आगे वाले भी बजाओ एक बार। और देखो मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार का कॉन्फिडेंस अद्भुत होता है। भाई साहब आपको आ गई लिपस्टिक की बात ज्यादा समझ में आई, कोई बात नहीं। बनारस के आदमी से और उम्मीद भी किया, आप सब जानते हैं बनारस में दो ही चीज प्रसिद्ध है, एक हर हर महादेव, दूसरा आप सब जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपके दिमाग में कौन सा, लेकिन आप आनंद लीजिएगा चार लाइनों का और बस यहीं से यात्रा शुरू हो चुकी है हादसे की। और नई नई चीजें जो कुछ भी मैंने लिखा है इस दौरान वो सब कुछ आप लोगों को सुनाऊंगा कि बात का असल देखो क्या था, कोरोना में क्या हुआ। आप जहां भी चले जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होटल सब जगह पे सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया सैनिटाइजर, मैंने चंद्रामृत समझ कर साथ लिया, एल्कोहल का स्वाद आया, मैंने कहा दो चार बार बोले भैया बिहारी हो क्या, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा, बोला नहीं आजकल आप लोग ऐसे ही काम चला रहे हो। तो अपना तो मामला ही अद्भुत है, लेकिन आप देखिएगा बिल्कुल कोरोना काल की नई पंक्तियां, बिल्कुल नई पंक्तियां कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक आए बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया, बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हिंदी का अध्यापक आए बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें कौन सा अलंकार है, मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके संस्कृत के अध्यापक आ गए बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय इसका हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा कर, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने दो मिसाइलें दे दी, मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा कर के फिर से गए, मैं सच बता रहा हूँ गणित का अध्यापक आ गए बोले एक्स की वैल्यू बताओ, मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जब गणित के अध्यापक फिर आ गए बोले कि मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे, मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते, मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक जिसका लिया एक एक कभी नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और मैं तो ट्रेन में आ रहा था बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की नीचे 80-90 की, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा बोली बहन तेरी उम्र क्या है, 80-90 बोली होगी कोई 38-40, अब उसने उससे पूछ ले तेरी क्या है, बोली होगी कोई वही 18-20, मैं तो बीच के बर्थ थे धर्म से नीचे गिरा, बोली भाई साहब क्या कर रहे हो, मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा कर, मैं तो बिहार का आदमी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। चीनी को जमा तो मैं तो देखो सच बता रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते, मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा, बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला तुझे कल भी मना किया था बिहारियों को टीवी नहीं देते, अगले दिन मैं बुरका होकर चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं,
हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी। तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं। बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया, ये दुनिया में किसी और के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है।